आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ा। जी हाँ, अब सरकार द्वारा दिए जा रहे मुफ्त राशन के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। कैसे, कितनी और क्यों, जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको पूरी बात बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप राशन डीलर से राशन लेने जा रहे हैं तो खबरदार होकर जाइए, क्योंकि आपका राशन डीलर अपने फायदे के लिए आपकी जेब काट रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि वह आपकी जेब कैसे काट रहा है, राशन तो आपको सरकार द्वारा फ्री में दिया जा रहा है। बिल्कुल, सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की हम खुद भी सराहना करते हैं, क्योंकि सरकार की इस योजना का लाभ लगभग भारत देश के 80 करोड़ लोग उठा रहे हैं, जिसमें सरकार द्वारा हर साल लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का बजट भी खर्च किया जाता है। कोरोना काल से लगातार भारत सरकार राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन मुहैया करा रही थी, लेकिन हाल ही में सरकार ने गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत दिसंबर 2023 तक फ्री में राशन देने का भी ऐलान कर दिया था। यानी कि दिसंबर 2023 तक सभी गरीबी रेखा के नागरिकों को चावल और गेहूं फ्री में दिया जाएगा। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको मिलने वाले मुफ्त राशन के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं खबरदार शो। हाल ही में अगर आप सरकार द्वारा आवंटित राशन विक्रेता से राशन लेने गए होंगे तो आपको मुफ्त राशन के लिए कुछ ना कुछ भुगतान भी करना पड़ा होगा। ये भुगतान 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए या उससे ऊपर भी हो सकता है, लेकिन ये धनराशि आपकी जेब से गेहूं, चावल या किसी और खाद्य पदार्थ के लिए नहीं, बल्कि किसी और ही सामान के बहाने ली जा रही है। और कमाल की बात तो यह है कि वह सामान सरकार द्वारा नहीं बल्कि राशन डीलर द्वारा बेचा जा रहा है, जिससे राशन डीलर की कुछ अतिरिक्त कमाई का साधन बढ़ेगा और आपकी जेब पर भार भी। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा खेल है क्या। आप अगर हाल ही में सरकारी राशन की दुकान पर मुफ्त राशन लेने गए होंगे तो राशन डीलर के द्वारा आपको सरकार से मिलने वाले 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं के अतिरिक्त कुछ न कुछ सामान जैसे साबुन, डिटर्जेंट पाउडर, नमक, हल्दी वगैरह वगैरह दिया गया होगा, जिसके बदले आपसे 10-20 रुपए भी लिए गए होंगे। अब यहां सवाल आपके मन में भी एक जरूर आता होगा कि जब सरकार लगभग 25 से 26 रुपए प्रति किलो के गेहूं और चावल यानी कि लगभग 125 रुपए प्रति व्यक्ति मुफ्त दे सकती है, तो फिर ये 10 रुपए के वॉशिंग पाउडर के लिए सरकार हमसे पैसे क्यों ले रही है? अब झोल यही है, पैसे सरकार आपसे नहीं ले रही बल्कि आपका राशन डीलर ले रहा है। दरअसल हमें भी ये बात जब हजम नहीं हुई तो हमने इस पर पड़ताल शुरू की। हमने पिछले 1 महीने में सरकार के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा जारी किए गए शासनादेश खोज निकाले। तब हमें पता चला कि 23 मई को उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया कि उचित दर की दुकान के संचालन की व्यवहार्यता में सुधार लाने के लिए दुकानदार सरकार द्वारा जारी गेहूं, चावल, चीनी, नमक आदि के अलावा अपनी इच्छानुसार अन्य दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं भी बेच सकते हैं, जिसमें साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, चाय, पेन, कॉपी, टॉर्च, घड़ी, छाता, झाड़ू, माचिस, गुड़, मिठाई, बिस्किट, निरोध, सैनिटरी नैपकिन, इलेक्ट्रिक सामान, ये सभी शामिल हैं। अब ये तो हुई सामान बेचने की बात कि आखिर आपसे पैसे क्यों लिए जा रहे हैं, लेकिन अब बात यह आती है कि जिस सामान के लिए आपसे पैसे लिए जा रहे हैं, क्या वह वस्तु वाकई उस मूल्य के लायक है जितना कि आपसे वसूला जाता है, और आपके लिए वो सामान बिना आपकी इच्छा के लेना जरूरी है या नहीं। असल में सरकार द्वारा जारी किए गए सर्कुलर में यह तो कहा गया है कि दुकानदार निर्धारित खाद्य सामग्री गेहूं, चावल आदि के अतिरिक्त भी अन्य सामान बेच सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ यह भी कहा गया है कि उपभोक्ता द्वारा यह आवश्यक नहीं है कि वह उस सामान को खरीदे। यानी अगर आपको लगता है कि आपको दुकानदार द्वारा बेचे जा रहे अतिरिक्त सामान की आवश्यकता नहीं है या आपको उसकी गुणवत्ता या दाम पसंद नहीं आता है तो आप उसे लेने से इनकार कर सकते हैं। इसकी पुष्टि के लिए हमने फिरोजाबाद जिला पूर्ति अधिकारी स्वीटी कुमारी से बात की तो उन्होंने भी यही बताया। देखिए, जो रिसेंट शासनादेश आया है उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, वो जो अपना जो नॉर्मल राशन होता है उससे अलग बेच सकते हैं, जैसे कि गुड़, घी, नमक, बिस्किट, डिटर्जेंट पाउडर, टूथब्रश, इलेक्ट्रॉनिक सामान, टॉर्च, सैनिटरी पैड्स और हैंड वॉश, राजमा, ये सारी चीज़ें वो बेच सकते हैं। बट इसमें कुछ कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं या कोई भी प्रोडक्ट है, वो जो ऑथराइज्ड हैं
मतलब एजेंसीज जिनको वेरीफाई करने के लिए कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उससे अप्रूव्ड ही होना चाहिए। सेकेंडली, किसी को भी फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको ये प्रोडक्ट खरीदना ही है या उसको राशन के साथ अटैच नहीं किया जाएगा। अगर कोई खरीदना चाहता है इंडिपेंडेंटली तो वो खरीदेगा, अदरवाइज किसी को भी बाउंड नहीं किया जाएगा। मैंने बताया ना आपको, जैसे जो ये चीज़ें हैं, नमकीन बिस्किट है, वो 300 का भी पैकेट बेचे, बट वो जो पैकेट बेच रहे हैं उसमें उस क्वालिटी होनी चाहिए कि उसका जो प्राइस अगर दिया जा रहा है तो उस क्वालिटी का, और ऑथराइज जैसे अगर फूड प्रोडक्ट्स है तो FSSAI से अप्रूव्ड होने चाहिए, उसमें उस प्रोडक्ट का वर्थ चीज़ें होनी चाहिए। तो हाँ, यही है कि ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि कोई भी हमारा जो राशन कार्ड धारक है वो बाउंड नहीं है वहाँ से सामान खरीदने के लिए। अगर उनको लगता है कि उनको इनफ, मतलब जो प्राइस है वो ठीक है और उनको सामान खरीदना चाहिए तो ही वो खरीदें, किसी को भी कोई कंपल्शन नहीं है लेने के लिए। और अगर उनको कहीं से भी इस तरह का खराब क्वालिटी का सामान दिया जाता है तो वो यहाँ पे हमें कंप्लेन कर सकते हैं, हम इस चीज़ के खिलाफ इमीडिएटली एक्शन लेंगे। तो अब की बार अगर आप राशन लेने जा रहे हैं और आपका राशन डीलर आपसे अतिरिक्त सामान बेचने के लिए आपको बाधित करता है तो आप उसे मना कर सकते हैं। साथ ही अगर वह मानता नहीं है तो आप उसकी शिकायत जिला पूर्ति अधिकारी के कार्यालय में कर सकते हैं। आज के खबरदार शो में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें दूसरों के साथ शेयर करके आप हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को खबरदार करने में हमारी मदद कर सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री है। एक चीज और फ्री है, आपकी राय। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही आप खबरदार शो का अगला एपिसोड किस मुद्दे पर देखना चाहते हैं हमें यह भी बताइएगा।